सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24/3/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बहुत ही मजेदार है, सावधानी भरा है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रोचक बातें माना उत्सुक करने वाली बातें, या तो कहें कि ऐसी बातें जिन बातों को सुन करके उत्तेजना पैदा होती है, तो उत्तेजक बातें। क्योंकि माया रावण तो क्या करेगा, आकर्षण में लाने के लिए ऐसी ऐसी बातें हमारी नजरों के आगे लाएगा, हमारी बुद्धि में लाएगा, मन में लाएगा, हमारे सामने लाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय, भक्ति में भी ऐसी रोचक बातें हैं जो हमें बहुत ही भक्ति करने के लिए उत्तेजित करती हैं, तो उन बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। क्यों हमें भक्ति की बातों के को छोड़कर रूहानी बातें सुननी है? क्योंकि रूहानी बातों से हमें पता चलता है कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, जिसको मैं मानती आई हूँ, जानती नहीं हूँ, और मैं उनकी भक्ति करती आई हूँ। तो रूहानी बातें जिसको मैं मानती हूँ उसकी मुझे वो जानकारी देते हैं। तो रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा हम सभी करते हैं, और वैसे भी मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है तो उसे कर्म के सामने रिटर्न में क्या चाहिए? कर्म का फल चाहिए, अर्थात सफलता चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण होना चाहिए? उत्तर है निरअहंकारिता का गुण। अहंकार न हो, अभिमान न हो। महावीर के लिए भी दिखाते हैं कि जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतों में जाकर के बैठता था महावीर। यहाँ महावीर कहने से मतलब बाबा का हनुमान से है। हनुमान के लिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, तो वह जूतों में जहाँ जूते लोग उतारते थे वहाँ जाकर के बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें भी बड़ी बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर के सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर के उन्हों की भी सेवा करनी चाहिए। गीत फिर से वही बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। देखो बाबा हम बच्चों को आकर के रावण की जेल से छुड़ाया, तो बाबा कहते अब यही सेवा तुम्हें औरों की भी करनी है, उन्हों को भी रावण से मुक्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। नंबर दो है, बाप और वर्षे को याद करना है, देह अभिमान को छोड़ महावीर बनकर सेवा करनी है, विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है, सेवा के नए नए प्लान्स बनाने हैं। वरदान है आज का
स्वमान में स्थित रहकर देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अर्थात आत्म अभिमानी अकाल मूर्त भव संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसा भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती और आपके पास तो डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। तो आज का फिर स्लोगन भी इतना ही अच्छा, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो क्या होगा। हाँ, जब हम ऊपर ऊंचे विमान में उड़ के नीचे की ओर देखते हैं तो दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है, बिल्कुल छोटी सी, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।